बाजार से जब हम घेवर खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, ऊपर से उतना हाइजीनिक भी नहीं होता है। लेकिन घर में बनाने के लिए लोग सोचते हैं कि बहुत मेहनत का काम है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आपकी इसी मुश्किल को आज मैं सॉल्व करूंगी और मिनटों में आप घेवर बनाना सीख जाएंगे। ये देखिए एकदम जालीदार घेवर आपका बनेगा। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि खूब सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपका घेवर परफेक्ट बनेगा। नमस्कार दोस्तों, कुक विद उषा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रबड़ी, क्योंकि घेवर के साथ रबड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो उसके लिए कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने पानी डाला जिससे दूध नीचे चिपकेगा नहीं। अब 1.5 लीटर मैंने यहाँ फुल फैट दूध लिया है जिससे कि हम रबड़ी बनाएंगे। तो इसको आप बीच बीच में हिलाते रहिएगा और ये देखिए जब 1/4 आपका दूध रह जाएगा, इस तरह का थिक हो जाएगा, तब आपको क्या करना है कि इसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है। 3 चम्मच मैंने चीनी के डाले हैं और अच्छे से फ्लेवर के लिए इसमें आप थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल लीजिएगा। अब 2-4 मिनट के लिए इसे आप थोड़ा सा पका लीजिए और ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो और ज़्यादा थिक हो जाती है। बस इसे फ्रिज में लगा लीजिए जितनी देर में हम बनाएंगे यहाँ घेवर। तो घेवर बनाने के लिए मैंने 5 चम्मच देसी घी के लिए हैं और घी थोड़ा लिक्विड फॉर्म में भी है। अब आपको क्या करना है कि घी को मेल्ट भी कर लेना है, साथ में गर्म भी हो जाएगा। तो 1/4 कप मैंने लिया था, उसमें से 1 चम्मच बच गया है। बहुत ज़्यादा घी भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब घंटों का काम मिनटों में हो जाए उसके लिए आप मिक्सी का जार लीजिए, इसमें थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डालकर गर्म घी इसमें डाल लीजिएगा और हल्का सा मिक्सी को चला लीजिएगा 3-4 सेकंड के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस देखिएगा कि मक्खन की फॉर्म इसमें हो जाए। ये देखिए दानेदार सा मक्खन बन गया ना, और जैसे कि आप देख रहे हैं बर्फ़ के टुकड़े थोड़े थोड़े रहते हैं। तो बर्फ़ को ग्राइंड करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका जो मक्खन है वो घी बन जाए। मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा मिक्सी को नहीं चलाना है दोस्तों। बस 3-4 सेकंड चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा ठंडा दूध डाल लीजिएगा। 100 ml दूध मैंने डाला है और चम्मच में देखा जाए तो 3-4 चम्मच ये डाले हैं। हल्का सा इसको भी चला लिया, ये देखिए, लेकिन ये पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा क्योंकि ये मक्खन बना हुआ है। अब आपको इसमें मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो मैंने यहाँ 200 ग्राम मैदा लिया है और अब ये देखिए थोड़ा सा चलाया, अब फिर से इसमें आप मैदा डालिए और फिर से इसको चलाइएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मिक्सी को घुमाना नहीं है। अब 1 बड़ा चम्मच इसमें आप डाल लीजिए बेसन का। दोस्तों बेसन डालने से बहुत अच्छा इसमें क्रिस्पीनेस आएगी घेवर में। और अब लास्ट में आपको सारा मैदा इसमें डाल देना है। तो ये देखिए इस तरह का क्रमली फॉर्म आपके मैदे की बन जाएगी। अच्छी तरह से दूध और घी मिक्स हो चुका है। अब आपको लेना है चिल्ड वाटर, यानी कि ठंडा पानी। और पानी देखिए जिस भी कटोरी से मैंने मैदा लिया था ना, उसी कटोरी से पानी भी लिया है, लेकिन इकट्ठे नहीं डाला, थोड़ा पानी डाला फिर ग्राइंड किया, थोड़ा पानी डाला फिर ग्राइंड किया। ये देखिए आप देख सकते हैं थिक घोल अभी हमारे पास है। तो अब आपको इसमें 1 कटोरी पानी की और डालनी है। तो टोटल मैंने 2 कटोरी पानी की यहाँ डाली है, ठीक है। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा थिक है, तो थोड़ा सा पानी आप इसमें और डालिएगा। थिक बैटर आपका नहीं होना चाहिए, अगर थिक बैटर होगा ना तो जालीदार घेवर नहीं बनेगा। अब इसमें हम 1/2 नींबू का रस डाल देंगे। नींबू डालने से घेवर जो है वो बढ़िया क्रिस्पी बनेगा, कलर भी अच्छा आएगा। तो कंसिस्टेंसी आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ये देखिए बैक साइड में जब आप देख रहे हैं ना, तो पतली सी लेयर है, थिक लेयर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो 2.25 कटोरी मैंने यहाँ पानी की ली है। अब इसे आप छान लीजिए, और छानने से क्या होगा ना कि अगर लम्स होंगे, गुठली होगी, तो वो निकल जाएगी। वैसे मिक्सी में गुठलियाँ नहीं बनती है, फिर भी आपकी सुविधा के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने इसे छान कर आपको दिखाया है। अब ये जो हमने घोल बनाया ना, वैसे तो ठंडा है, लेकिन ये ठंडा ही रहे उसके लिए आपको 1 बड़ा बर्तन लेना है, उसमें चिल्ड वाटर डालना है, या आप चाहें तो बर्फ़ के टुकड़े भी नीचे रख सकते हैं। और फिर कलछी से इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पोर करते रहिएगा। लेकिन और भी आसान तरीका है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी बोतल ले लेनी है। मेरे पास देखिए सॉस की बोतल है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो
तो सॉस की बोतल आपके पास नहीं है तो घर में कोई भी कोल्ड ड्रिंक की छोटी बोतल होती है देखिए इस तरह की, तो इसके ढक्कन को आप छेद कर लीजिएगा और इससे भी आसानी से घेवर बन जाता है। वैसे कलछी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस थोड़ा थोड़ा हमें बार बार उठाना पड़ता है। अब क्योंकि दो बोतल बनी है तो एक बोतल को मैं फ्रिज में रख लूंगी जिससे कि ठंडा रहेगा। अब घी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, अब थोड़ा सा घी यहाँ से मैं निकाल रही हूँ क्योंकि ये बाद में हमें चाहिए। और देखिए क्योंकि इसे मैं पैन में आपको बनाकर दिखाऊंगी बिना मोल्ड के, और इस तरह के मोल्ड में भी बना सकते हैं, तो मोल्ड के साथ भी आपको लास्ट में दिखाऊंगी, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप ले लीजिएगा। अब घी आप देख सकते हैं बहुत कम घी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आधा पैन हमारे पास घी का है, घी एकदम गर्म है, हाई फ्लेम है और थोड़ा थोड़ा करके आपको बैटर इसमें डालना है, इकट्ठे घोल मत डालिएगा। ये देखिए थोड़ा सा डाला, फिर थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, जैसे ही बबल्स बैठ जाएंगे ना तब दूसरी बार आपको डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना है। और हाई फ्लेम पर ही इसे हम बनाएंगे, लो फ्लेम नहीं करनी है। अगर आपका बर्तन बहुत ज़्यादा पतला है तो मीडियम फ्लेम भी कर सकते हैं, लेकिन लो फ्लेम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए बेलन से इस तरह से आप बीच में इसमें थोड़ा सा रास्ता बनाते रहिएगा जिससे कि घेवर हमारा थोड़ा सा मोटा भी बनेगा ना तो अच्छा लगेगा, लेकिन एकदम जालीदार बनेगा ये, इस बात की तो गारंटी है। तो देख सकते हैं आप कितना बढ़िया घेवर हमारा बन रहा है, तो जितना भी एडजस्ट होगा उतना बैटर इसमें हम डालेंगे। तकरीबन 15 से 20 बार मैंने ये बैटर डाला है दोस्तों, तो इस तरह से आपको भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। देखिए जब ठंडा बैटर गर्म घी में जाता है तो ऊपर को उछल कर आता है जिससे जाली बढ़िया बनती है। अब इतना ही हमें डालना था, लास्ट में मैंने जो घी निकाल कर रखा था ना वो इसमें डाल दिया, इससे क्या होगा टेम्परेचर घी का मेंटेन रहेगा क्योंकि अच्छे से इसको क्रिस्पी भी तो करना है ना। तो थोड़ा सा देखिए नीचे को मैंने डिप किया और आसानी से ये निकल गया है, कोई भी चक्कू लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ी है। तो बस इसे जाली के ऊपर रख रही हूँ जिससे कि जो एक्सेस हमारा घी होगा वो निकल जाएगा। आपके पास जाली नहीं है तो कोई बात नहीं, कटोरी के ऊपर रख लीजिए। अब देख सकते हैं आप कितना परफेक्ट जालीदार घेवर हमारा तैयार हुआ है। और अब मैं आपको मोल्ड में भी बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह का मोल्ड अगर है तो इसमें बना लीजिए, लेकिन इसमें घी अभी बहुत ज़्यादा है, मोल्ड के ऊपर तक घी नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी जगह बचनी चाहिए जिससे कि बढ़िया सी शेप घेवर की बनेगी। बस उसी तरह से जैसे पहले सिखाया वैसे ही घेवर को बनाना है, हाई फ्लेम होनी चाहिए और जो हमारा घोल है ठंडा होना चाहिए, साथ में झाग को बैठने दीजिएगा और फिर दूसरी बार इसे डालिएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से बैटर डालना है, देखिए जैसे ही ऊपर को उछाल आएगा एकदम जाली बनेगी और घोल पतला होना चाहिए, साथ में लास्ट में आपको थोड़ा सा घी इसमें जरूर डालना है ऊपर से, जिससे क्या होगा घी का टेम्परेचर बराबर रहेगा और क्रिस्पी आपका घेवर बनेगा। तो चलिए फटाफट से चाशनी बनाते हैं। तो एक कटोरी मैंने ली है चीनी की, इसमें आधी कटोरी आपको पानी की लेनी है, और जिस भी कटोरी से मैदा लिया था उसी कटोरी से मैंने चीनी ली है। थोड़ा सा मैंने यहाँ इलायची का पाउडर और केसर डाल दिया है, और दोस्तों एक घर का केसर है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा कलर नहीं आता है, लेकिन बहुत बढ़िया इसमें टेस्ट होता है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो केसर को स्किप भी कर सकते हैं। अब चाशनी कैसी बनानी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें हमें कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। ये देखिए चेक करके दिखाऊँ तो जैसे हम इसे इस तरह से दोनों उंगलियों को मिला रहे हैं ना तो हल्की सी तार बन रही है, लेकिन एक तार ये बिल्कुल भी नहीं है, तो एक तार की चाशनी आपको नहीं बनानी है। अब चाशनी को हल्का सा ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद घेवर के ऊपर इसे हम डालेंगे। तो 7 से 8 घेवर यहाँ बने हैं एक कटोरी से, और ये देखिए एकदम परफेक्ट है ना, सारे जो हमारे घेवर हैं बढ़िया जालीदार बने हैं और कलर भी बहुत बढ़िया आया है। बस घेवर को मैंने कटोरी के ऊपर रखा है और ऊपर से हल्की गुनगुनी चाशनी डाल लीजिएगा। कटोरी के ऊपर रखने से क्या होगा ना, जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे निकल जाएगी। अब ऊपर से आप लगा लीजिए रबड़ी, और रबड़ी जो है वो ठंडी होगी तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ठंडी रबड़ी डालेंगे, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो,
और अगर आपके पास रोज पेटल हैं, ये देखिए गुलाब की पंखड़ियों से बहुत सुंदर ये लगते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये देखिए अब काट कर दिखाती हूँ, मैंने यहाँ भोग लगाया था इसका, इसलिए तुलसी दल इसके ऊपर डाला था। तुलसी दल को निकालने के बाद अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। तो है ना एकदम परफेक्ट घेवर। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और रेसिपी देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।